इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2-4 दिन की 10 दिन की दिक्कत आ सकती है आम पब्लिक को, लेकिन ये बहुत सही हुआ है जिससे कि हमारे देश में जो चलती हुई ब्लैक मनी है उस निकल के सारी सामने आ जाएगी और सबका पर्दाफाश हो जाएगा और वही पैसा जो बाहर निकल के आएगा वो हमारे देश के काम आएगा और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सब ठीक होगी। सर ये तो बहुत ही अच्छा किया है, जो ब्लैक मनी है वो बाहर आएगी और जो और काला धन जो जमा कर रखा वो भी बाहर आ जाएगा। तो इससे आपके जीवन पे भी कोई फर्क पड़े? नहीं, हमारे क्या, हम तो रोज कमाने खाने वाले हैं सर, हम तो 100-200 कमा लेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें तो बड़े नोट की जरूरत नहीं है, हमें तो छोटे से काम चल जाएगा। आप क्या समझते हो स्कीम? मैंने कल मेरे को एक ऑल आउट की शीशी खरीदनी पड़ी तो मुझे 400 रुपए का सामान खरीदना पड़ा उसके चक्कर में। तो ये जो फैसला है मोदी सरकार ने, ये सही किया या गलत? नहीं, सही तो है, अभी तो दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है सही टाइम पे, किसी की जेब में अगर 500 रुपए तो क्या करेगा। तो अभी जैसे ये नोट काला धन को लेके सोचा जा रहा है कि सही होगा, तो वो एक तरह से सही फैसला है या कैसे है? नहीं, है तो सही फैसला, अभी तो दिक्कत रहेगी 10-15 दिन तो कम से कम दिक्कत तो इस चीज़ की रहेगी, गरीब आदमी को ज़्यादा दिक्कत है हम जैसे को। सही है, सही है। कैसे कैसे सही है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना है नहीं रकम, तो हमें तो सही लग रहा है। कोई फर्क आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ा नहीं इससे? मेरे हिसाब से गरीब के हिसाब से तो सही है, गरीब के हिसाब से सही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम जैसे अभी जाएंगे तभी पहले भी ऐसे जी। तो अभी जैसे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में कि कोई भी पैसे लेने को तैयार नहीं है, बड़े नोट और छोटे नोट वगैरह को लेके, तो उस चीज का आपके काम पे फर्क पड़ा है? हाँ, काम पे तो फर्क है हल्का फुल्का, ज्यादा हो गए और अभी तक लाइन हमें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, पता नहीं कितनी देर तक हमें यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है और हमें कितनी देर तक लंच टाइम शुरू हो जाएगा, फिर कितनी देर तक और लोगों की यहाँ पे लंच टाइम के बाद बैंक बंद हो जाएगा, तो फिर लोग लाइन में लगे रहेंगे, इनका कुछ फायदा नहीं होगा, हमें पता नहीं कब हमारे पैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे।